क्या हुआ सुमन? अरे बोलो ना, क्या हुआ? हमको लगता है ये शादी नहीं हो पाएगी, अच्छा, क्यों नहीं हो पाएगी? इसीलिए कि ये समाज नहीं मानेगा। और समाज क्यों नहीं मानेगा? शादी के बाद हमारी पढ़ाई। तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ, हमारा बचपन से एक ही तो सपना था, पढ़ाई। तो ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम्हारा सपना अब हमारा सपना। हाँ, ओहो, अब क्या हुआ? पराई भी नहीं होना चाहते हैं। लोग क्यों कहते हैं कि लड़कियां पराई होती हैं? हम भी शादी के बाद अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं। आखिर उनके अलावा हमारा है कौन? और हमारे और हमारी छोटी बहन के अलावा उनका कौन है? अरे बाबा, तुम अपने से अपने बाबूजी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। कौन कहता है कि तुम पराई हो जाओगी? पर वो तो तभी होगा ना जब हमारा मन चाहे हम उनके पास चले जाएं, कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि वो तो हमें अपने कष्ट कभी बताएंगे नहीं। आखिर हमें ही जाना होगा ना उनके पास। बस इतनी सी बात? अरे बाबा, हम हैं ना, सब ठीक रहेगा। सच्ची? मुच्ची ऐसे हंसती रहा करो, तभी अच्छी लगती हो। हाँ